अस्सलाम वालेकुम। हेलो टू माय व्यूवर्स। आज हम लोग बनाएंगे पालक पनीर। इसके लिए मैंने यहाँ पे पानी रखा है बॉइल्ड होने के लिए। अब हम इसमें वॉश करके पालक डालेंगे अच्छे से और इसको बस ब्लांच करेंगे। बस एक बॉइल आने देंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे तरह से हमें इसे कुक नहीं करना है। बस एक बॉइल आ जाए फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गरम गरम पानी में पालक डाल चुकी हूँ। अब देखो ये एक बॉईल आ रहा है तो बस हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इस पालक को हम आइस वाटर में डाल देंगे, ठीक है। हम इसको आइस वाटर में इसलिए डालते हैं ताकि इसका कलर ग्रीन रहे। तो यहाँ पे मैंने वाटर लिया है, इसमें थोड़ा सा आइस डाला है। अब इसको हम इस वाटर में डाल देंगे और इसको अब इसमें से निकालकर हम जार में डालकर थोड़ी सी शुगर डाल देंगे, 1 स्पून ग्रीन चिली, तीन से चार ग्रीन चिली डाले मैंने, थोड़ी सी कोरिएंडर कोथमीर, ठीक है, थोड़ा सा नमक, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा डाला था इसमें। अब हम इसकी ऐसे थोड़ा पानी डालकर प्यूरी बना लेंगे, ठीक है। तो अब गैस पे हम ऑयल डालेंगे, पैन रखेंगे, फिर 2 स्पून ऑयल और 2 स्पून घी डाल देंगे। अगर आप चाहो तो पूरा घी भी डाल सकते हो या फिर ऑयल भी डाल सकते हो। घी से इसका टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने यहाँ पे घी डाला है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो बटर भी डाल सकते हो। तो इसमें अब हम पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स डाल देंगे और इसको बस 1 मिनट तक सॉटे करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे। अच्छे से इसको कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखेंगे हम लोग, थोड़ा इसकी स्मेल हो जाए, इसके लिए हमें ये प्रोसीजर करना है। तो मैं अब पनीर को निकाल लेती हूँ। ये हो गया, बस 1 मिनट इसको हम निकालेंगे और इसी पैन में हम ऑयल, हमारा ऐसे ही है ऑयल और घी। मैंने यहाँ पे 2 तेज पत्ता और 1/2 स्पून जीरा डाला है, क्यूमिन सीड्स, ठीक है। अब लहसुन के छोटे छोटे क्यूब्स कट करके मैंने इसको चॉप करके इसमें डाला है। ये लहसुन हमारा 2 स्पून जितना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है मैंने, कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें अच्छा आता है। अब हम बारीक कटा ऑनियन डालेंगे, प्याज, इसको भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और कुक करेंगे। अब हम बारीक चॉप करके टोमेटो भी इसमें डाल देंगे। ये मैंने 3 ऑनियन लिए थे और 2 टोमेटो लिए हैं मैंने, बस अच्छे से मिक्स करना है हमें और कुक करना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब हम इसमें डालेंगे टर्मरिक, हल्दी 1/2 स्पून जितनी, नमक 1/2 स्पून जितना, सॉल्ट, यहाँ पे मैं थोड़ी सी 1/4 TSP जितनी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि हमने पालक में ग्रीन चिली डालकर पीसा था, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर थोड़ा डाला है, लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैं डालती हूँ हवेस यानी कोरिएंडर पाउडर 1/2 स्पून जितना। अब हम डालेंगे हमारी पालक प्यूरी। आप चाहो तो ये तेज पत्ते को इसमें से निकाल सकते हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। गैस को हम स्लो ही रखेंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे।
तो अब मैंने यहाँ पे पनीर डाला है और इसको भी 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। तो यहाँ पे हो चुका है, मैं थोड़ी शुगर और डाल रही हूँ इसमें, 1/4 TSP जितनी। थोड़ा सा मैंने 1 स्पून जितना घी डाला है, आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो। तो हमारा पालक पनीर रेडी है। अब हम इसको और एक तड़का देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है, इसमें थोड़ा सा चॉप्ड लहसुन डाल रही हूँ, गार्लिक, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। तब तक हमें इसे कुक करना है घी में या बटर में। फिर यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है, आप डालना नहीं चाहते, तो आप रेड चिली भी, ड्राई रेड चिली भी ले सकते हो। और इस तड़के को हम हमारे पनीर पे डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा पालक पनीर बिल्कुल रेडी है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी?